बहुत ही खतरनाक, जैसा किल है नाम, और वो नाम को जस्टिफाई किया है मूवी ने, और बहुत ही अच्छा। बच्चे लोग के साथ नहीं दे सकते, काफी एडल्ट मूवी था और काफी ब्लडशेड था। मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने सोचा नहीं था ये इतनी अच्छी मूवी होगी। प्योर वायलेंस, प्योर एक्शन, एंड इट इज समथिंग विच इवन हॉलीवुड इज रीमेकिंग, और वो बनाना चाहिए बिकॉज ये इंडिया की ऐसी पहली मूवी है। मूवी में बहुत ज्यादा वायलेंस है, डेफिनेटली बहुत ही ब्रूटल सीन्स हैं। मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि पूरी मूवी एक ट्रेन में शूट की गई है। वायलेंस 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 के अलावा कुछ नहीं है मूवी में, बट फिर भी बहुत मजा आएगा देख के। मैं एक्शन मूवी नहीं देखती इतना, लेकिन ये मूवी पता नहीं मैं क्यों देखने आई, बिकॉज ट्रेलर देखा था हमने जो ऐसा मतलब वेरी वायलेंट सीन्स, हम ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन जब देखा तो बहुत अच्छा लगा मूवी। बहुत अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा लग रहा है कि घर पे जाओ और किसी को मारू पकड़ के, इतना वायलेंस है। कमांडोस का दिखाया गया है कि हमारी कैसी देश की सुरक्षा करते हैं, जो ट्रेन की पैसेंजर्स है उनकी सुरक्षा करते हैं। मैं इसको अच्छी बोलूँ बुरी बोलूँ फिलहाल मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट 1 घंटा 46 मिनट की मूवी है, मैं बोर नहीं हुआ। बट अगर कोई कपल होगा, कोई बच्चा होगा, तो यार उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फैमिली ऑडियंस और लेडीज़ को शायद पसंद नहीं आएगी, जींस जो जैसे कि टू की किड्स से उनको काफ़ी पसंद आएगी, और एडल्ट को तो काफ़ी काफ़ी पसंद आएगी। कैसी लगी? बहुत ही खतरनाक, जैसा किल है नाम, और वो नाम को जस्टिफाई किया है मूवी ने, और बहुत ही अच्छा। ट्रेलर को देख के जैसा लग रहा था ना, उससे भी डबल धमाका है, और ऐसा था कि ट्रेलर में तो बहुत ही कम दिखाया गया, लेकिन जो रियल मूवी पे दिखाया गया ना, वो बहुत ही मच बेटर है। तो आप लोग जाके देखिए, ट्रेलर देख के मत बैठिए। ओ गॉड, जिसने भी सोचा है ना वो डायरेक्शन एक ट्रेन पे, कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक ट्रेन से ही स्टार्ट था और एक ट्रेन पे ही खत्म, और इतना अच्छा डायरेक्शन थे। लव डेट और लक्ष्य को सीरियसली बोला जाए, जो बनाया गया है फौजी, वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर को बनाया गया, उनको बनाया गया, और उनका पहली मूवी है ऐसा लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही हमने देखा है, ऐसा नॉन फेस होता है ना, वैसा लग रहा था। बहुत ही अच्छा राघव, तो माइंड ब्लोइंग। हाँ, ही इज अ डांसर, हम लोग भी डांसर है, तो हम लोगों ने उनको पहले से एज अ डांसर देखा है, कॉमेडियन देखा है, एंकर देखा है, बट ये कैरेक्टर पे उन्होंने पूरा जस्टिफाई दिया है अपने आप को, और फुल ऑन फाड़ू। 4.5। मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने सोचा नहीं था ये इतनी अच्छी मूवी होगी। प्योर वायलेंस, प्योर एक्शन, एंड इट इज समथिंग विच इवन हॉलीवुड इज रीमेकिंग, और वो बनाना चाहिए बिकॉज ये इंडिया की ऐसी पहली मूवी है जो एक्शन लेवल पे, वायलेंस लेवल पे इतनी अच्छी है। बहुत अच्छी लगी, एक्शन बहुत अच्छा किया हुआ है, एंड इवन दी एक्टिंग इन जनरल, उसने जो इमोशंस डाले हुए हैं, उसने जो कॉमेडी सीन्स भी किए हुए हैं और एक्शन भी, ये सारा मिला के उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, और उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। डायरेक्शन इज मैड बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही है उसमें, स्पेशली द सेकेंड हाफ, जैसे वो लोग ने एक्शन सीन्स और किल, जितने भी किल है वो सारा शूट किया हुआ है, तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है। और लक्ष्य का डेब्यू, इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज किसी ने अगर किया होगा, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसने, और वो पूरा खींच रहा है मूवी को। सेकेंड हाफ में तो सिर्फ लक्ष्य ही है, बहुत अच्छा किया। ये मूवी देखो, अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हो, आपको एक्शन मूवीज पसंद है, वायलेंट मूवीज पसंद है, दिस इज़ बेटर देन ऑल ऑफ दैट। इंडिया में कभी ऐसा नहीं बना हुआ है, और आई डोंट थिंक वापस बनेगा, ये उतनी अच्छी मूवी है। मैं तो 5 out of 5 दूंगा, बहुत अच्छी मूवी है। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं एक्शन मूवी नहीं देखती इतना, लेकिन ये मूवी पता नहीं मैं क्यों देखने आई, बिकॉज ट्रेलर देखा था हमने जो ऐसा मतलब वेरी वायलेंट सीन्स, हम ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन जब देखा तो बहुत अच्छा लगा मूवी। बहुत अच्छा मूवी है, डायरेक्शन नंबर वन इज अ सुपर डायरेक्शन, सुपर। मैं कंपेयर नहीं करूँगी दोनों का, बिकॉज ही वॉज लक्ष्य वॉज कमांडो एंड वो डाकू था, दे बोथ वेर वेरी ट्रू टू देयर कैरेक्टर, एंड दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है मूवी में, बहुत अच्छा। मैं 4.5 देना चाहूँगी आउट ऑफ 5। जैसा नाम है ना वैसा इस मूवी में काम है। एक्चुअली ट्रेलर इतना हाइप बना नहीं पाया, बट जैसे ही मूवी है ना, आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग है। बट कहीं ना ये थोड़ा कल्चर को भी मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड करती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है ना, जिस तरीके से वायलेंस है ना, तो संदीप वांगा रेड्डी भी आके निखिल भट्ट के पैर छुएगा, हाथ धोएगा और बोलेगा भाई मुझे अपनी छत्र छाया में रख लो, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वायलेंस बताया है। और लिटरली मूवी मतलब एक अजीब ही है, मैं इसको अच्छी बोलूँ बुरी बोलूँ फिलहाल मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट 1 घंटा 46 मिनट की मूवी है, मैं बोर नहीं हुआ। बट अगर कोई कपल होगा, कोई बच्चा होगा, तो यार उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। लक्ष्य ने काफ़ी अच्छा काम किया है, नो डाउट। एक्टिंग का तो उसका पता नहीं अभी, क्योंकि एक्टिंग उतना देखने मिली नहीं, क्योंकि मूवी में एक्शन ही एक्शन है,
स्टार्ट टू एंड इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद मूवी में पूरा एक्शन ही है, स्टोरी को बिल्ड बिल्कुल नहीं किया गया है, एकदम फटाफट जो जो टॉपिक था उस टॉपिक पर लेके आए। बट मैं वही बोलूँगा, एक्टिंग का तो पता नहीं बट एक्शन उन्होंने अच्छा किया है, ऑल ओवर मूवी अच्छी है, बट देखते हैं आगे क्या रहेगा। मैं इस मूवी को 3.5 दूंगा क्योंकि यार एक्शन ओवर द टॉप है और अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा लग रहा है कि घर पे जाओ और किसी को मारू पकड़ के, इतना वायलेंस है। एकदम अच्छी थी, एक्सलेंट, स्पेशली इंट्रो काफ़ी अच्छा था, जब टाइटल रिवील होता किल तो उस मुताबिक था, बच्चे लोग के साथ नहीं दे सकते, काफ़ी एडल्ट मूवी था और काफ़ी ब्लडशेड था, एकदम मस्त एक्टिंग थी दोनों की, साथ ही वो विलन की एक्टिंग भी एकदम अच्छा था, डायरेक्शन अच्छा था, सेट वर्क अच्छा था। राघव की किल मुझे बहुत पसंद आई, मैंने इसका ट्रेलर देखा था और ट्रेलर देख के मुझे ठीक ठाक लगी थी। मूवी में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है डेफिनेटली, बहुत ही ब्रूटल सीन्स हैं, बट एक बार देखी जा सकती है, वन टाइम वॉच डेफिनेटली है, क्योंकि राघव जुआल का काफ़ी सब्सटेंशियल रोल है, उन्हें छोटे मोटे रोल्स मिलते थे अभी तक, तो ये मूवी में उनका रोल मुझे पसंद आया। बहुत ही वॉयलेंस को ऐसे लगता है ग्लोरीफाई किया है, बट ऐसी बात नहीं है, ये सोसाइटी में ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। और मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि पूरी मूवी एक ट्रेन में शूट की गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और वॉयलेंस सीन्स बहुत ही ब्रूटल हैं, बट इट्स फॉर एडल्ट ऑडियंस, जैसे एनिमल मूवी भी लोगों को बहुत ब्रूटल लगी थी, बट इसके जो मेन किरदार लक्ष्य, उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फिजिक है, और जो डकैत हैं उनका जो कमांडोज के साथ एनकाउंटर है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन बहुत अच्छा है निखिल भट्ट का, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही लाजवाब है रफ़े महमूद की, क्योंकि एक ट्रेन में वो सीन्स शूट करना आसान बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है एडिटिंग शार्प है, 1 hour 50 minutes की मूवी है, तो जो इसके एडिटर हैं शिव कुमार पैनिकर, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही लाजवाब एडिटिंग है, कहीं आप बोर नहीं होंगे, कब पहला हाफ स्टार्ट होगा एडिट मतलब इंटरवल आएगा और सेकेंड हाफ भी ख़त्म हो जाएगा, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, और हालांकि वॉयलेंस 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 के अलावा कुछ नहीं है मूवी में, बट फिर भी बहुत मज़ा आएगा देख के। नहीं, उन्होंने उनका रोल बहुत अच्छा है, और उन्होंने जिस तरह अपने नेगेटिव जो उनकी शेड्स देखने को मिले, अलग अलग इमोशंस, कभी गुस्सा उनका इंटेंस, यू नो बीच में एंगर फ्रस्ट्रेशन, और वो सब जो देखने को मिला वो बहुत अलग शेड्स देखने मिले उनके रोल में, तो उसके साथ लक्ष्य दोनों की एक दूसरे के साथ एनकाउंटर होता है, इतनी अच्छी टक्कर, लक्ष्य का भी इतना अच्छा फिजिक है, इतना दोनों का बहुत ही अच्छा एनकाउंटर, तो कमांडोज का दिखाया गया है कि हमारी कैसी देश की सुरक्षा करते हैं, जो ट्रेन की पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, तो वो देख के बहुत गर्व भी हुआ कि हमारे यू नो मुल्क की शान है कमांडोज। काल की मूवी का बहुत ये चल रहा है तहलका, और उसके साथ साथ ये मूवी लो बजट मूवी है और कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं है, बट लोगों को एक बार देखी जा सकती है, डेफिनेटली वो वन टाइम वॉच।